हेलो स्टूडेंट्स, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफ फोर्थ एंड सेकंड सेमेस्टर 2020। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी प्रैक्टिकल डेट्स आ चुकी हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आपको ये इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी एक खुद की एक जीमेल आईडी बनानी है। आपने पापा, मम्मी, बहन, भाई, किसी की जीमेल आईडी यूज़ नहीं करनी है। और अगर अभी तक नहीं बनाई है तो अपनी जीमेल आईडी, एक ऑफिशियल जीमेल आईडी बना लीजिए। फिर उसके बाद आपने डाउनलोड करना है गूगल मीट ऐप, और एक उसके ऊपर रिहर्सल करनी है कि कैसे स्क्रीन शेयर करते हैं, ऑडियो कैसे ऑन और ऑफ करते हैं, म्यूट अनम्यूट करते हैं। इसके बाद आपने एक अच्छा स्कैनर ऐप डाउनलोड करना है। वो पीडीएफ स्कैनर भी हो सकता है, ऑफिस लेंस भी हो सकता है, आप कोई सा भी एक स्कैनर अपने फ़ोन में यूज़ करके उसको यूज़ करना सीख लीजिए। फिर 9:20 AM पर आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप गूगल मीट का, आपने उस लिंक से गूगल मीट ज्वाइन करना है। और 9:30 से पहले पहले ध्यान रहे सबने मीटिंग ज्वाइन कर लेनी है। उसके बाद आपको उसी गूगल मीट के ऊपर दो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिए जाएंगे, जिनके लिए आपको इनिशियल राइटिंग करनी है। जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का, उसी के रिगार्डिंग आपको इनिशियल राइटिंग करनी है। इनिशियल राइटिंग आपने A4 साइज़ की जो शीट होती है उसके ऊपर करनी है। उसके फर्स्ट पेज के ऊपर यूनिवर्सिटी रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ए सेक्शन, बी सेक्शन, डेट, अपनी सिग्नेचर और पेज नंबर आपने हर पेज पे डालना है। और यूनिवर्सिटी रोल नंबर, ये सारी डिटेल आपको तीन जगह डालनी पड़ेगी, एक फर्स्ट पेज पे, एक फाइल के नेम पे और एक जीमेल के सब्जेक्ट में। 1 घंटे तक आपका टाइम मिलेगा आपको, ताकि आप ये सारा काम लिख सकें दोनों प्रैक्टिकल के लिए। फिर आपने इन पेजेस की स्कैन कॉपी करनी है, फ़ोटो लेके स्कैन करो, फिर आप उसको पीडीएफ बनाओ। पीडीएफ बना के फाइल का नेम वही रहेगा जैसे यूनिवर्सिटी रोल नंबर, क्लास, ये सब। फिर उसके बाद आपने इस फाइल को सेंड करना है कॉलेज की जो ईमेल आईडी है, डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पे, और अपनी पर्सनल ईमेल आईडी जो आपने बनाई है उससे डालना है। और ईमेल आईडी पे जब आप ईमेल कर रहे हैं तो आप भूले नहीं, अपनी इस फाइल को अटैच जरूर करें, अटैचमेंट करना है, इसको भूलना नहीं है। और कॉलेज की ईमेल आईडी है जिसके ऊपर आपको डालना है KLMCHEMDPT, ये सब लगातार है, KLM केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फिर @gmail.com, इसके ऊपर आपने वो फाइल को भेजना है। साथ में आप उस प्रैक्टिकल में क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, उसका प्रोसीजर लिखेंगे, जनरल कैलकुलेशन लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल, प्रिकॉशंस, डायग्राम, जो भी कुछ आप जानते हैं सब लिखेंगे। फिर आप लिखने के बाद उसका स्कैन करेंगे और उसकी फाइल बनाएंगे, पीडीएफ फाइल, और पीडीएफ फाइल का आपका जो नाम है वो वही रहेगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, डेट, डेट के साथ आपने अपना सेमेस्टर भी डालना है। डेट ज़रूर डालनी है कि किस डेट को आपका एग्ज़ाम हुआ, रोल नंबर डालना ना भूलें, क्लास और सेक्शन लिखना भी ना भूलें। इसी तरीके से जो आपकी फ़ाइल का नेम है, वो पहले यूनिवर्सिटी रोल नंबर जैसे XXXX लिख दिया, फिर BSc फोर्थ सेम है तो आप लिखेंगे BSc फोर्थ सेम, मेड या नॉन मेड आप ज़रूर लिखेंगे, सेक्शन ए या बी, और साथ में लिखेंगे डेट। डेट के बाद आपने, जब तक आप ये सारा काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आप गूगल मीट पे इन रहेंगे, आप आउट नहीं होंगे, उसको छोड़ नहीं सकते, आप मीटिंग के अंदर ही रहेंगे। आफ्टर सबमिशन ऑफ PDF फाइल, एवरीवन विल गेट लिंक ऑफ गूगल फॉर्म इन चैट बॉक्स। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आपने मीट को छोड़ना नहीं है, क्योंकि कभी भी आपके पास वो एक लिंक आ सकता है जो कि 15 मिनट के लिए ही एक्टिव होगा। उसमें आपने 10 क्वेश्चंस के रिप्लाई करने हैं, 10 की 10 MCQ होंगे। उसमें आपने अपनी डिटेल भरनी है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, डेट, ये सब फिल करने के बाद उन 10 क्वेश्चंस के रिप्लाई करने हैं विद इन 15 मिनट। 15 मिनट में वो लिंक आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप गूगल मीट बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आपने 9:30 से पहले उसको ज्वाइन किया है, जब तक आपका वाइवा नहीं हो जाता आपने नहीं छोड़ना है। आपको सारी इंस्ट्रक्शंस उसी पे मिलेंगी, वाइवा भी आपका उसी पे होगा। जब आपका फॉर्म जमा हो जाएगा तो आपको टीचर वाइवा के लिए कहेंगी, और जिसमें एक एक स्टूडेंट का नाम लिया जाएगा। जब आपका नाम लिया जाएगा, रोल नंबर लिया जाएगा,
एग्जामिनर आपको वन बाय वन कॉल करेगी, उस समय आप अपनी फाइल को जो आपकी रिकॉर्ड है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड उसको अपने पास रखेंगे, चाहे वो आपकी चेक है चाहे वो अनचेक्ड है, आप उसको अपने पास रखेंगे, टीचर को दिखाएंगे, और जो उस समय आपको अपनी स्क्रीन भी शेयर करनी है तभी आप टीचर को फाइल दिखा पाएंगे। टीचर आपको कुछ लिखने के लिए कहती है तो आप लिख के दिखा पाएंगे, और साथ में जो क्वेश्चन टीचर्स पूछती हैं आपने उसका रिप्लाई करना है। रिकॉर्ड पूरा दिखाना है, जैसे टीचर कहेगी, जो पेज कहेगी कि आप फर्स्ट पेज दिखाओ, आप इंडेक्स दिखाओ या आप लास्ट पेज दिखाओ, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपने उन सब का रिप्लाई करना है। आफ्टर वाइवा वॉइस आप मीटिंग को छोड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप मीटिंग से आउट नहीं हो सकते। थैंक यू।